तो कल जो बात हो रही थी उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने बात यहाँ से शुरू की है कि सुख स्वभाव है कि प्रभाव है, इसको अपने आप में देखने का हम अभ्यास कर रहे हैं। तो पता लगता है कि जब तक हमारे अंदर सही समझ सही भाव स्थापित ना हो जाए, सुख को हम एक प्रभाव के रूप में ही मानते हैं। और जब प्रभाव के रूप में मानते हैं तो हमारे लिए दो स्रोत बने रहते हैं सुख के, एक तो शरीर से आने वाली संवेदना और दूसरा दूसरे से मिलने वाला कोई अनुकूल भाव। और इन दोनों में ही स्थिति दिखाई देती है कि न तो निश्चितता होती है, न निरंतरता होती है, परतंत्रता होती है बाहरी किसी वस्तु पर, और सभी तृप्ति बिंदु भी नहीं होता। इसके स्थान पर यदि उनमें सही भाव स्थापित होता है, सही समझ स्थापित होती है, तो उसमें निश्चितता भी है, निरंतरता भी है, स्वतंत्रता है क्योंकि तो स्वयं में स्थापित है, बाहर पर मैं निर्भर नहीं हूं, और तृप्ति बिंदु बना रहता है उसका। तो ये एक शिफ्ट दिखाई देता है। और अभी हम जो काम कर रहे हैं, सुबह का जो अभ्यास कर रहे हैं, उसका मूल प्रयोजन यही है कि ये शिफ्टिंग मुझ में हो जाए। तो वर्कशॉप में हमने प्रस्ताव को सुना, शब्द मिले, उसके अर्थ हमें सुनने को मिले, उसको हमने स्वयं में जांचने और जी कर देखने का अभ्यास किया। बट जिन बारीक मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक है, जहाँ पे हम ध्यान न देकर कई बार अपनी पुरानी मान्यताओं में या जो संवेदना के अभ्यास है उसमें फंसे रहते हैं, उससे निकलने के लिए जरूरी है कि इस बारीक मुद्दे पे ठीक से ध्यान दिया जाए। तो वर्कशॉप पे हमें कोई प्रस्ताव मिला, इससे पहले भी हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा, सुना, अभ्यास किया, सोचा, चर्चा की। ये एक मेजर शिफ्ट है जो अपने को लेना है। और आप पाएंगे कि जब हम बारीकी से इन मुद्दों पे बात कर पाते हैं, इस पे अपने आप को ओपन अप कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं, प्रश्न कर पाते हैं, और इसको लेकर अभ्यास कर पाते हैं, एक विधिवत अभ्यास कर पाते हैं, तो अपने ऊपर शोध करने का काम शुरू होता है। तो जैसे अभी तक हम बहुत सारा रिसर्च करते रहे होंगे बाहर की वस्तुओं पे, अब ये स्वयं पे रिसर्च कर रहे हैं। मैं कहूँगा मानव पे भी नहीं, स्वयं पे रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि तो मानव के बारे में भी हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा है, सुना है, किया है, परंतु अपनी ओर बारीकी से ध्यान देना जो आवश्यक भाग है, हो सकता है अभी हम अपनी बारीकी से ना कर रहे हो, उसको अपने को ठीक से पूरा करना है। तो हम उसको विधिवत कर रहे हैं और आगे भी करते रहना है। तो हर दिन अपने लिए कुछ अलग से समय भी निकालना है, जो सुबह में चर्चा हो रही है उसको दिन में अपने विश्लेषण में अपनी कल्पनाशीलता फैला कर देखना भी है, उसको जीने से जोड़ कर भी देखना है। तो कल हम लोगों ने जो असाइनमेंट लिया था वो ये था कि अभी हम इस चीज को देखें कि अभी हमारा प्रयास कितना स्वभाव के अर्थ में है, कितना प्रभाव के अर्थ में है। इसको लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो, कल जो आपने अभ्यास किया, कल जो आपने समय लगाया। उसके अगली स्लाइड में हम लोग समृद्धि के भाव पर थोड़ी बात करते हैं। तो समृद्धि का मतलब है कि सुविधा की आवश्यकता की पहचान हो जाए, है ना। और कैसे होगी? तो जब हम शरीर की आवश्यकता को पहचानते हैं, क्योंकि जो सुविधा है वो शरीर के लिए है, ये हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। सुविधा शरीर के लिए है, शरीर मेरे लिए है। सुविधा सीधे सीधे मेरे लिए नहीं, शरीर मेरा साधन है। और सुविधा का जो पर्पज है शरीर के लिए, तीन ही कारणों से है। पहला, शरीर के पोषण के लिए, दूसरा शरीर के संरक्षण के लिए, तीसरा शरीर के सदुपयोग के लिए। ये तीन ही पर्पज है। अगर हमको इतनी बारीकी से दिखाई देता है कि सुविधा जो पोषण के लिए आवश्यक है, ठीक है ना, उसकी वो सीमित है। सुविधा जो शरीर के संरक्षण के लिए आवश्यक है वो भी सीमित है। तो जो सदुपयोग के लिए आवश्यक है वो भी सीमित है। तो मुझे सुविधा की आवश्यकता की सीमा बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। फिर मैं इस बात का आकलन करता हूँ जो मेरे पास सुविधा उपलब्ध है वो आवश्यकता से अधिक है कि नहीं। अगर मुझे सहज रूप से दिखता है कि हाँ अधिक है, तो जितने में अधिक जी दिख जाता है उतने में मैं समृद्धि महसूस करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, भोजन अपने को लगता है कि आवश्यकता से अधिक है, कपड़ा अधिक है, बट लगता है कि गाड़ी अधिक नहीं है, जो गाड़ी है वो और बड़ी होनी चाहिए, छोटी है, तो उतने में मैं अभाव महसूस करता हूँ। और हमारे अंदर ये भाव बना रहता है, ये इच्छा बनी रहती है कि एक बड़ी गाड़ी ले ली जाए। इस मकान में रह रहे हैं, अगर लगता है छोटी है, छोटा है, तो और बड़ा मकान हो जाए उसकी आशा लगी रहती है, उसके लिए विचार करते रहते हैं। तो जितने भाग में हमको दिख जाता है कि सीमा से अधिक है
उतने में हम समृद्धि महसूस करते हैं, जितने में हमको लगता है सीमा से कम है उतने में अभाव महसूस करते हैं। परंतु यहाँ पे जो मुख्य काम है आप देखेंगे तो सीमा को पहचानना है। जैसे हमें लग सकता है कि मकान का जो साइज है आवश्यकता से कम है, ठीक, परंतु हो सकता है कि हमने आवश्यकता को ठीक से पहचाना ही ना। हमें लग सकता है कि गाड़ी का जो साइज है वो आवश्यकता से कम है, बट हो सकता है हमने आवश्यकता को ठीक से पहचाना ही ना। तो हमने ठीक से पहचाना या नहीं ये अपने आप में तय करने की बात है। और जब पहचानने जाएंगे तो फिर हम तय करेंगे कि जो गाड़ी है उस शरीर के पोषण के लिए है क्या, नहीं पोषण के लिए तो नहीं है, संरक्षण के लिए है क्या। कभी कभार हो सकता है गाड़ी में बैठे हैं बारिश से बचे हुए, धूप से बचे हुए, तो संरक्षण दे सकता है, तो काम तो ठीक से हो रहा है। सदुपयोग के लिए है क्या, दिख सकता है कि हाँ सदुपयोग हो पा रहा है। पूरे परिवार का हो पा रहा है क्या, पूरे परिवार का हो पा रहा है। तो अगर हम इतनी बारीकी से देखेंगे तो जो चीज़ पहले आवश्यकता से कम लग रही थी हो सकता है वो अधिक लगने लगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। तो कल तक जितनी हम लोग बात किए उसमें हम लोगों ने सुख को समझने का प्रयास किया, सुख के स्रोतों को दो भाग में देखा, एक तो स्वभाव के रूप में, दूसरा प्रभाव के रूप में। और प्रभाव के रूप में जब भी अपने को दिखाई दिया पता लगा कि इसकी निरंतरता नहीं है, निश्चितता नहीं है, उसके साथ एक समृद्धि का भाव जुड़ा हुआ है। तो आज असाइनमेंट के रूप में हम लोग समृद्धि वाले भाव पे थोड़ा अपने ऊपर काम करें। जो जर्नल में हम लिख रहे हैं उसको हम लिखना शुरू करें और देखें कि ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो मुझे आवश्यकता से कम लग रही है, उसको नोट कर लें। इसमें इम्पोर्टेंट बात आपको ये दिखाई देगी कि अल्टीमेटली पैसा हमारी आवश्यकता नहीं है, हमारी आवश्यकता सुविधा है। पैसा उसको पूरा करने का एक माध्यम है। तो पैसे के टर्म्स में न लिख कर यदि आप सुविधा के टर्म्स में लिखें तो आपको ज़्यादा ठीक से स्पष्ट होगा। तो हमको शरीर के पोषण के लिए कितने सुविधा की जरूरत है, संरक्षण के लिए कितनी सुविधा की जरूरत है, सदुपयोग के लिए कितनी सुविधा की जरूरत है, और सिर्फ अपने नहीं परिवार को जोड़ ले, है ना, पूरे परिवार के साथ देख लें और फिर देखें कि कहाँ पे हमको लग रहा है कि सीमा से अधिक है, कहाँ पे लग रहा है कि सीमा से कम है, और उसको नोट कर लें, उसको ऑब्जर्व कर लें। इसमें कहीं भी अपने को अपने ऊपर एक दबाव नहीं बना रहा है कि मुझे इतने में सीमित रखना है, बल्कि सीमा को पहचानना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात से जुड़ी हुई है कि हमें सुविधा की आवश्यकता को सीमित नहीं करना है, उसकी सहज रूप से सीमा को पहचानना है, ठीक है। तो ये भी एक काम है जो करने योग्य है। तो हम सब लोगों ने वर्कशॉप किया है, समृद्धि की परिभाषा को सुना है और अब अपने को इस काम को भी करना है। तो इससे हम अपने अंदर समृद्धि के भाव का आकलन कर पाएंगे। ये आपको दिखाई देगा कि जितने भाग में हमको लगता है कि आवश्यकता से अधिक है उसमें हम शेष का दूसरों के साथ शेयर करने की सोचते हैं, कम से कम संग्रह करने की तो नहीं सोचते, जितने में अधिक दिख जाता है। जितने में अधिक नहीं दिखता उसमें हमें और उसके लिए श्रम करने की आवश्यकता लगती है और उतने में शेयर करने का भाव नहीं जाता। तो अगर हम दूसरी तरफ से देखें यदि शेयर करने का भाव बना हुआ है उसमें तो आवश्यकता से अधिक लगता है, अगर शेयर करने का भाव नहीं बना हुआ है तो आवश्यकता से कम लगता है। इसमें एक और बात जुड़ेगी जो तीसरी बात है, बट वो थोड़ा सा आराम आराम से हम देख लेंगे कि हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे में क्षमता है कि आवश्यकता से अधिक सुविधा को हम उपार्जित कर सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। इसको भी हम लोग देख सकते हैं, तो परिवार सहित ही देख सकते हैं कि परिवार सहित अगर हम देखने जाए तो हम आवश्यकता से अधिक सीमा, आवश्यकता से अधिक सुविधा का उपार्जन कर सकते हैं। ये क्षमता है हमने, इतना ही है कि हो सकता है आज शरीर की जो स्थिति है उसमें नहीं कर पा रहे, या छोटा बच्चा है इसकी जो शरीर की स्थिति है वो नहीं कर पा रहा, परंतु कर सकता है। तो उसमें जो क्षमता है उस क्षमता का ठीक सदुपयोग करने की जरूरत है, ठीक है ना। अगर ये होता है तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए तो पर्याप्त है बट बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं है। तो बच्चे के लिए भी जो हमको करना है वो भी हम ठीक से तय कर सकते हैं कि बच्चे के लिए हमको सुविधा संग्रह ही करना है, बच्चे के लिए जो सुविधा की सीमित आवश्यकता है उसको स्पष्ट कराना है, उसके उत्पादन के लिए उसमें जो क्षमता का विकास होना है या उसमें जो योग्यता का विकास होना है उसको सुनिश्चित करना है, और उसको स्वयं में समृद्ध होने के लिए जो कार्यक्रम बनाना उसमें तैयार करना है। तो हम अपने लिए भी तय कर सकते हैं, अपने बच्चे के लिए भी तय कर सकते हैं, परिवार के हर सदस्य के लिए भी तय कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब हम सुविधा की आवश्यकता की सीमा को तय करने जाते हैं तो अपने लिए तय कर पाते हैं,
तुमको लगता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए पर्याप्त नहीं है, इसके लिए अपने को और संचय या संग्रह करने की जरूरत है, परंतु दिखाई देगा कि जब जो नेक्स्ट जनरेशन का व्यक्ति है, स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें उत्पादन करने की क्षमता है, उसकी योग्यता को थोड़ा विकसित करना है, वो स्वयं से उत्पादन कर लेगा। जैसे हम श्रम करके खुद से समृद्ध हो पाते हैं, बच्चा भी हो जाएगा। तो इस रूप में देखेंगे तो हमें समृद्धि की और स्पष्टता होगी, सुविधा की आवश्यकता की और ठीक से स्पष्टता होगी। ये राइट यूज ऑफ बॉडी जो सदुपयोग की बात है, तो शरीर का सदुपयोग जो कल भी बात हो रही थी, वो स्वयं में सही समझ सही भाव को इंश्योर करने के लिए है, और सही भाव का निर्वाह संबंधों में करने के लिए, सही समझ का निर्वाह संबंधों में करने के लिए। तो शरीर का सदुपयोग देखें तो एक छोर पे स्वयं में ज्ञान को सुनिश्चित करने के लिए है, यानी सही समझ सही भाव को सुनिश्चित करने के लिए है। दूसरा, सही समझ सही भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए है। ये शरीर का सदुपयोग हुआ। जी बढ़िया दीदी। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा अपने आप में ऑब्जर्व करें, समृद्धि वाले भाग में कई बार हम इसमें फंसे रहते हैं। तो भले ही हमें सुख के मुद्दे पर ध्यान जाता है, परंतु उसके लिए हमारे पास बहुत सारा समय नहीं रहता, क्योंकि अभी हमें सुविधा की जो आवश्यकता लगती है उसमें बहुत सारा समय लग जाता है। इस वाले भाग पर अगर ठीक से काम किया जाए तो उसके बहुत सार्थक परिणाम निकलेंगे। तो अभी मैं देखता हूँ कि परिवारों में जिन मुद्दों पे सुविधा को लेकर अस्पष्टता रहती है, ऐसे 5-6 मुद्दे हैं। इसको भी आप चाहें तो अपने जर्नल में लिख लें, इसको शॉर्ट आउट कर लें, तो आगे के लिए बहुत स्पष्टता बनेगी। जैसे एक मेजर मुद्दा है बच्चों का एजुकेशन, तो बच्चों के एजुकेशन के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसको अगर वर्कआउट करने जाए तो उसकी भी एक सीमा तय हो सकती है। तो बच्चों के एजुकेशन पर कितना खर्च करना है, पहले इसको पैसे में लिख लें, तो उसको हम लिख के अपने लिए तय कर सकते हैं कि हाँ एक बच्चे के एजुकेशन के लिए इतने धन की आवश्यकता है। वैसे ही दूसरी बड़ी आवश्यकता लगती है हमको कि बच्चों की शादी। तीसरी बड़ी आवश्यकता लगती है अपना मकान। चौथी बड़ी आवश्यकता लगती है कि बुढ़ापे का खर्च, है ना। पांचवी बड़ी आवश्यकता लगती है कोई इलाज वगैरह कराना हो, ठीक है ना। ऐसे 5-6 बड़े मुद्दे लगते हैं जिसपे अपने को सुविधा की आवश्यकता कहीं ना कहीं अस्पष्ट रहती है। अब इनमें से हर एक मुद्दे को हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो अगर हमको दिखता है कि बच्चे का एजुकेशन तभी अच्छा होता है जब उसमें सही समझ सही भाव इंश्योर होता है, जब उसमें आवश्यकता की पहचान सुनिश्चित होती है और उसे अधिक उत्पादन करने की प्रवृत्ति बनती है, तो बच्चे के एजुकेशन पर कितना खर्च करना उसको तय कर सकते हैं। हमको ये भी अगर दिखाई दे जाए कि बच्चे का जो आगे की जिंदगी है वो शादी में होने वाले खर्च से नहीं तय होता है, बल्कि जो उसका पार्टनर है, जो उसका स्पाउस बनेंगे, उनके समझ और भाव से तय होता है। तो हम फिर वहाँ फोकस करेंगे कि हमको अगर बच्चे के लिए एक सुखी सफल जीवन सुनिश्चित करना है, वैवाहिक जीवन सुनिश्चित करना है, तो फिर हम उसके अंदर भी सही समझ सही भाव इंश्योर करेंगे, और जो उसका पार्टनर बनेंगे उसमें भी यही चीज़ देखेंगे कि वो है कि नहीं। तो शादी वादी पे कितना खर्च करना है ये भी ठीक से तय हो सकता है। वैसे मकान की जो आवश्यकता है तो हम देख लें कि परिवार में कितने लोग हैं, इस पीढ़ी में भी पिछली पीढ़ी में भी मकान पहले से उपलब्ध है कि नहीं। अगर जो उपलब्ध है पहले से आवश्यकता से अधिक है तो मकान के अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर हम सही भाव के साथ जिए, परिवार के साथ मिलकर, समाज के साथ जुड़कर, तो बुढ़ापे के लिए जो बहुत सारी अनिश्चितता रहती है ना, उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। तो समृद्धि के भाव के साथ आगे हमारा समय कैसे बीतेगा, उसके लिए जितना हमको संचय करना है हम तय कर सकते हैं, उससे अधिक की उपलब्धता होगी उसके साथ हम समृद्धि महसूस करते हैं। और जो इलाज वगैरह के खर्चे हैं इनको भी अगर हम देखें तो तय हो जाता है कि अगर हम संयम के भाव के साथ जिए, ठीक है ना, तो ये कोई बड़ी बीमारियां तो होने वाली नहीं है, और समय समय पर हमको स्वास्थ्य में जो अनुकूल कार्यक्रम बनाना है वही हम बनाते हुए चलेंगे, तो जो स्वास्थ्य के नुकसान का जो भय रहता है उससे भी हम निकल पाते हैं। तो इस समृद्धि के भाव पे थोड़ा आज आप विचार करें, उसका मूल्यांकन करें, उसको जर्नल में लिखें कि सुविधा की आवश्यकता कहाँ कहाँ अपने को अस्पष्ट है, उसको लिख लें। और कल हम लोग उस पर बात भी कर सकते हैं कि कैसे उसको और स्पष्ट कर सकते हैं।
है ना, ये एक यूजफुल एक्सरसाइज रहेगा, क्योंकि कई बार हम पूरे कार्यक्रम से जुड़ने के बाद भी अपनी सुविधा के आस्पेक्ट का कई बार तय नहीं कर पाते, इसलिए हम काफी समय उसमें मतलब उसमें उलझे रहते हैं, उससे हम निकल पाएंगे जी। इसको लेकर यदि कोई प्रश्न हो तो बताइए, थोड़ा ही समय शेष है, 2 मिनट, परंतु मुझे लगता है आज के लिए असाइनमेंट के रूप में रखें इसको, कि इसको हम जर्नल में नोट करें। ये जो मैंने 5 मुद्दे बताए, इनसे हमारी स्पष्टता है कि नहीं, इसको हम देख लें, और यदि इसके अलावा भी कोई मुद्दा है तो उसको भी लिख लें, और उसमें सुविधा की आवश्यकता कैसे स्पष्ट हो उसको तय कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा जी। कुछ हैंड्स रेज हैं, महेश पंत जी। जी महेश पंत जी, तो आज असाइनमेंट के रूप में अपने को जर्नल में समृद्धि के भाव का आकलन करना है, तो जो सुख के भाव का आकलन कर रहे थे उसको बनाए रखना है, उसको तो देखना ही है, साथ में समृद्धि वाली बात को भी जोड़ लेनी है ना, उसको ऑब्जर्व करना है, उसको नोट करना है, फिर कल आपके इस पे रिफ्लेक्शन लेंगे और आगे की चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न उसको लेकर, तो हमारी मूल चाहना यही है कि सुख की निरंतरता हो, समृद्धि के भाव की निरंतरता हो। ये भी अपने को दिखता है कि सुविधा की निरंतरता होती नहीं है, निरंतरता तो समृद्धि के भाव की होती है, और समृद्धि का जो भाव है वो सही भाव ही है, और वो सही समझ के आधार पर इंश्योर होता है, तो उसमें भी हमारा मूल काम तो सही समझ को इंश्योर करना है। तो जब हम सुविधा को उपलब्ध कराने जाते हैं तो हमने आवश्यकता को समझा है कि नहीं, उत्पादन करने के तरीके को समझा है कि नहीं, जिन लोगों के साथ जुड़कर मैं उत्पादन कर रहा हूँ यानी सुविधा को उपलब्ध करा रहा हूँ उस उन लोगों के साथ संबंध के बारे में स्पष्टता है कि नहीं, इन सारे मुद्दों पे हम ऑब्जर्व करें, इसको जर्नल नोट करें, इसके साथ हम लोग कल की शेयरिंग रखेंगे।